हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फिल्मी। रिएक्शन तो में कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम एक बार फिर से लेके आ गए हैं रोलेक्स मूवी, सॉरी विक्रम मूवी में रोलेक्स का एंट्री सीन। ये हम पहले भी कर चुके हैं और दोबारा कर रहे हैं आप लोगों की फरमाइश पे। ये हमें कई लोगों ने बोला है कि भी ये तमिल ओरिजिनल जो इसकी ऑडियो है उसमें रिएक्ट करो और ज्यादा फीलिंग आएगी। और आप लोगों ने बोला भी पहले कैथी मूवी देखो, उसके बाद रिएक्शन करना, अच्छे समझ में आएगा। तो हम आ गए हैं कैथी मूवी देख के। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं इसके बाद इसके बारे में। बात और करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियोज का। सबसे पहले पता लग जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अ वीक लेटर। म्यूजिक बड़ा वो है यार, ये सच में। मार्शल நீ மிஸ்ஸிங்னா என்ன பண்ணுவானே தெரியல. இயரா மிஸ்ஸிங் காய் ये कैथी मूवी वाले हीरो की बात कर रहे हैं। रोलेक्स अब हम पेर दिल्ली दिल्ली ये उसकी दिल्ली की बेटी छोटी थी ना उसमें, कैथी मूवी में बड़ी हो गई है काफी। और अंदर बैठा ये बड़ी खास पर्सनैलिटी हो जाएगी यार इस मूवी में। अगले पार्ट में दोबारा एंट्री आएगी। ரோலெக்ஸ் இவனெல்லாம் தேடி கண்டுபிடிச்சு கொள்றது கஷ்டம். முதல்ல நம்ம டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆரம்பிப்போம். எவன் கையிலயும் சரக்கு இல்லாம தூக்காதாங்க. ஓ மை காட். ये कितनी बार भी देख लो ना सेम ही एक्सप्रेशन आने हैं। अपनी सुपीरियरिटी दिखा रहे हैं कि मैं तो छोटा हूं, मैं तेरा बॉस हूं।
टेंशन लो आप अपने डरी पीछे वाले सारे गुंडे भी डर गए थे। எங்க வேட்டான போது காடு செழிப்பா இருக்குமோ அப்பது பசியோட இருக்கும் போது காடும் பட்னி கிடக்கணும். 27 வருஷம் 27 வருஷம் ஆச்சு எனக்கு இந்த இடத்த உருவாக்க. ஐ ராம் மாதிரி சொல்ல அப்பனும் பாட்டனும் யாரும் தூக்கி கொடுத்துடல. इसको पूरा गुस्सा आया हुआ है, ये लास्ट में अगेंस्ट हो जाएगा शायद। There's a fucking rule in this jungle. ये वो बस चढ़ रखा है ना, अब उन्हें ये लोग तड़के नहीं पड़ जाते। तेरे मुंह आर पी के स्क्रैच चल रहे थे। नाले की डे वन, अनाज पुणे का ऐसा बाउंटी। अब उनके तले ये वो कुंड बनाना। मार दो जो उनके लाइफ सेंसिट मचा। जो भी विक्रम का सर लगा देगा उसकी जिंदगी सेट कर देगा। डाउट है इसको भी यहीं पे कहीं होगा, फीलिंग आ रही होगी इसके अंदर से। कमल हसन क्या बात है। तो दोस्तों सबसे पहले तो यू आर राइट, बिना कैथी मूवी देखे सच में बड़ा ही क्या बोलते हैं उसको, सस्पेंस सा बना हुआ था, समझ नहीं आ रहा था कुछ। लेकिन कहती मूवी देखने के बाद सब कुछ क्लियर हो गया। और मतलब बॉलीवुड ने कई बार कोशिश की है यूनिवर्स बनाने की, कई बार कुछ भी बना देते हैं। मतलब अभी एक मूवी देख रहे थे हम बागी 3, तो बागी 1 बनाई, फिर बागी 2 बनाई, फिर बागी 3 बना दी, लेकिन तीनों में कुछ भी कॉम्बिनेशन नहीं है। बागी 1 में वो एक्ट्रेस है, क्या नाम है उनका, श्रद्धा कपूर। बागी 2 में वो दूसरी एक्ट्रेस है, क्या नाम, वो टाइगर श्रॉफ की गर्लफ्रेंड थी, नाम भूल गया मैं उनका। बागी 3 में शेर के बच्चों ने दोनों ले ली, जो कि बागी 2 में एक मर चुकी थी, वैसे बागी 3 में दोनों ले ली, मतलब गड़बड़ कर डाली पूरी। इनको पता ही नहीं है यूनिवर्स का अर्थ क्या है, और स्टोरी भी सिमिलर नहीं है बिल्कुल। लेकिन सच में इस मूवी ने ना वो सब मतलब धमाल ही कर डाला यार। वो जो विक्रम मूवी का फर्स्ट पार्ट है ना, पता नहीं कब आया था, सन 2000 में आया था, उससे पहले आया था। मतलब विक्रम, ये विक्रम क्या, कमल हसन जी इतने यंग थे उस मूवी में, सन 2000 से पहले की मूवी है वो पार्ट आया, उस कहानी को जोड़ इस कहानी से जुड़ा हुआ है। और इससे पहले कैथी मूवी आई थी उसको भी इससे जुड़ा हुआ है। हाँ, लास्ट में सीन था। हाँ, वो जो हीरो है वो वही है, कैथी वाला, कार्थी नाम है उनका। तो सच में मतलब इतना मजा आ रहा है ना, इतना अंदर से कीड़ा हो गया ना बहुत ज्यादा, कि अब तो भाई ये पूरा अगला पार्ट कब आएगा और क्या होगा क्या होगा। ये मेरे मेरे अंदर नहीं, पूरे इंडिया में कीड़ा जगा दिया इन्होंने सच में। पूरे इंडिया में कोई नॉर्थ नहीं, कोई साउथ नहीं, कोई ईस्ट नहीं, कोई वेस्ट नहीं, सबको देखना है अगला पार्ट क्या आने वाला है, उसमें क्या होने वाला है। ये सच में मतलब उससे ज्यादा क्या बोलते हैं अंदर कीड़ा हो गया है उससे। वो जितना बाहुबली में कटप्पा ने क्यों मारा था ना बाहुबली को, हाँ। उससे भी ज्यादा सिस्टम चल रहा है ये। और KGF वाला, ये दो तीन मूवी ऐसी है इन्होंने सब कुछ बदल दिया। और ये अब यूनिवर्स जो बन रहा है ना, नेक्स्ट लेवल दोस्तों, सच में वी लव इट। एंड थैंक यू सो मच कमल हसन जी, थैंक यू सो मच कार्तिक जी, कार्तिक जी और हमारे सूर्या साहब का तो क्या कहना। ये भी मतलब आज तक किसी विलेन की ऐसी धांसू एंट्री नहीं देखी। पिछली बार देखा था तब भी सेम सीन पे नया डरी थी, अब की बार भी डरी है। मतलब ये सीन नहीं है यार, एक्टिंग है इनकी। हाँ, सच में एकदम, मतलब पता है क्या, जब देखते हैं तो भूल जाते हैं कि हमने पहले देख रखा है। बिल्कुल, उसमें मतलब अंदर खो ही जाते हैं कि हाँ। यार कुछ चल रहा है, और ऐसा भी लगता है जैसे मेरे को तो लगा था मेरी गर्दन। और मजा पता कब आने वाला है, मजा तब आने वाला है जब नेक्स्ट सीन में दोनों भाई आमने सामने होंगे। जो कार्थी है ना, कैथी मूवी वाला हीरो, वो सूर्या का भाई है रियलिटी में, ठीक है। और अब क्या होने वाला है नेक्स्ट पार्ट में, अलग ही मजा आएगा। एक भाई विलेन बना हुआ है, एक भाई हीरो बना हुआ है।
तो बड़ा मजा आने वाला है। और वो कार्तिका जो रोल है ना वो दिल्ली वाला, वो मतलब कुछ अलग ही है यार। मतलब वो बंदा पहले उसने अपनी मूवी में कैथी में क्या रोल किया है, धासु रोल किया है, अब आगे क्या करने वाले हैं बड़ा दिलचस्प है। तो वी आर वेरी क्यूरियस। तो दोस्तों थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, आपने पिछली वीडियो को बहुत प्यार दिया। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, हमें कमेंट करके जरूर बताएं आपको आगे कौन सी वीडियो का रिएक्शन चाहिए और आपको हमारा रिएक्शन कैसे लगा, कैसा लगा। तो चलिए इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पे करते हैं खत्म, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, टाटा बाय बाय।